मुफ्त खोर मेहमान। जानिए इस कहानी के द्वारा, एक राजा के शयन कक्ष में मंदिरी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा अपने कक्ष में जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर अपने स्थान पर चली जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुक्त नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा और जब जू ने उसे देखा तो उसको आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी का भी दखल अंदाज सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कोई कम होशियार नहीं था। उसने बोला, देखो मेहमान के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जाता, मैं तो आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। और जू खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण दे देती है। और फिर वो बोली, ठीक है तुम रात भर यहाँ रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे नहीं और ना ही उसका खून चूसकर तुम उसे पीड़ा दोगे। तो खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ ना, कुछ तो दोगी मुझे खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। तो जू बोली, ठीक है तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, लेकिन हाँ उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। तो खटमल बोला, हाँ हाँ ठीक है जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। और फिर खटमल राजा के शयन कक्ष में आने का उसका इंतजार करने लगा। रात ढलते ही राजा आया, बिस्तर पर लेट कर सो गया। उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काट कर खून चूसने लगा। इतना स्वादिष्ट खून तो उसने पहली बार चखा, इसलिए वो राजा को जोर जोर से काट कर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में खुजली होने लगी और उसकी नींद उड़ गई। और फिर राजा ने क्रोध पर आकर अपने सेवकों को आदेश दिया और बोला, खटमल को ढूंढ कर मार दो। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों के नजर में आ गई और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला। इससे शिक्षा तो यह मिलती है कि अजनबियों पर कभी भी विश्वास ना करें।